Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशदारिणे वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौरोदय पुष्पवंतो चित्रो संदो तमो तदो अनर्पिता चरिं चिरात करुणाय अवतीर्णाय कलो समर्पयतु मुन्नत ज्वाल रसा स्वामति श्रेया हरिपूरटा सुंदरा द्वितीय कदम्बा संदीपिता तदा हृदय कंदरे स्फूरतो वह सचिनंदन कृष्ण स्वधाम पागते धर्मा ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टा दुःखामेषा त्राणात् आजानुलंबित भजो कनकावधातो संकीर्तनैक पितरो कमलायतां स्वयंवरो द्विजवरो धर्मकालो वंदे जगत्पित्यकरो धर्मा आनंद लीला मही विक्रा हेमा दिव्य छवि सुंदराय तस्मे महारसा प्रेम प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो हरे कृष्णा श्री चैतन्य चंद्र श्री नित्यानंद महाजन की जय बहुत प्रेमानंद हरे कृष्णा। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु जी का और इनके साथ में जो उनकी टीम है पूरी ऑनलाइन साधु संघ भागवतम टीम को उनको भी धन्यवाद करना चाहूंगा। तो इतने समय से वो कंटिन्यूसली इस कार्य को स्थिरता से चला रहे हैं क्योंकि कलयुग में ऐसी स्थिरता बनाए रखना बहुत दुर्लभ है। भगवान के आशीर्वाद से ऐसा हो पाता है तो बड़ी प्रसन्नता है और मुझे सेवा का मौका दिया श्रीमद् भागवत के बारे में गुणगान करने के लिए प्रभु जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हमारे पास समय थोड़ा आगे निकल चुका है और टाइम भी शॉर्ट है और आज पवित्र दिन भी है, बहुत ज्यादा शुभ दिन है। आज श्री बंदे विद्याभूषण जी का भी तिरुभाव तिथि महोत्सव है और साथ साथ में गंगा माता गोस्वामिनी जी का भी आज आविर्भाव तिथि और गंगा सागर मेला यानी आज के दिन गंगा में स्नान करने लोग जाते हैं और गंगा जी का आविर्भाव का भी आज का ये तिथि बता दी। गंगा माता पूजा आज के दिन होती है। गंगा माता एक गोस्वामिनी थी, उनका भी नाम पड़ा था गंगा माता गोस्वामिनी, तो उनका आविर्भाव भी आज के दिन। तो अगर समय मिला आखिरी के 5-10 मिनट तो इनके बारे में कृपा की याचना करते हुए इनसे प्रश्नों से थोड़ा इनका भी गुणगान करें। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद चल रहा है और तीसरे स्कंद का 8वें अध्याय पे हम लोग भागवत में पहुंचे। 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, पहले हम लोग श्लोक सारे पढ़ लेंगे ट्रांसलेशन में, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो टेक्स्ट नंबर 28.28।
O my dear Vidura, the Lord Vaisya was covered with yellow cloth resembling the saffron dust of the Kadamba flowers, and it was encircled by a well-decorated belt. The stage was decorated with the Sri Vatsa marking and a necklace of unlimited values. Next verse. Sandalwood tree is decorated with fragrant flowers and branches. The Lord body was decorated with valuable jewels and pearls. He was the self-situated tree, the Lord of all others in the universe. And as a sandalwood, he is covered with many snakes. So the Lord body was also covered by the wood of Ananta. Next. 30. Next verse. 3.23. 13. Charau kaho bhagwan bhagwan mahe mahidram ahindraha andum bandum salilopa rudam dirittaha sahasraha hiranyaha shringam avirbhavattaha kastubaha ratnaha darbam. Translation. Like a great mountain, the Lord stands as the abode for all moving and non-moving living entities. He is the friend of all snakes because Lord Ananta is his friend. As a mountain has thousands of golden peaks, so the Lord was seen with the thousands of golden helmeted hoods of Anantanaga. And as a mountain is sometimes filled with jewels, so also his transcendental body was fully decorated with valuable jewels. As a mountain is sometimes submerged in the ocean water, so the Lord is sometimes submerged in the water of devastations. Hare Rantraj Madhavatam Ki Jai. Bhagavat mein ek shlok mein वर्णन आता है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी सेलेक्टिक जो वर्ष बुक है उसके अंदर भी ये श्रील प्रभुपाद जी अक्सर ये श्लोक करते थे. कृष्ण स्वधाम उपागते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो नष्ट दृशावेश पुराणार्थ अधमोदिता. कृष्ण भगवान जब इस संसार थे द्वापर युग में और जब इस संसार क्लियर हुए अप्रकट हुए तो स्वधामो पागते, ठीक है, स्वधाम का मतलब होता है कि अपने धाम पागते यानी अपने धाम में प्रविष्ट हुए चले गए. तो फिर धर्म और ज्ञान आदि इन सब ने किसका आश्रय लिया? श्रीमद् भागवत का. धर्म ज्ञान आदि सहा कृष्ण स्वधाम धामो पागते धर्म ज्ञान आदि आदि भी सहा. सहा का मतलब होता है कि उनके साथ रहना या आना. कलो नष्ट दृशाम ऐसा, तो कलयुग श्रीमद भागवत प्रकट भागवत के रूप में प्रकट हुए भगवान वापस आए श्री कृष्ण. कलो नष्ट दृशाम ऐसा पुराणार्थ को अधुन होते, तो कलि के नष्ट को अगर कोई खत्म कर सकता है तो श्रीमद भागवत महापुराण. दिस इज मोस्ट पावरफुल. और एक जगह पर आता है कि श्रीमद भागवत महापुराण का जो भक्ति के जो 64 अंग है, तो उन 64 नाथन गोस्वामी को वर्णन किया तो मैं भक्ति के 5 चीज बताते हैं. तो श्रीमद् हरे कृष्णा श्रीमद् भागवत भक्ति के 64 अंगों में सबसे 5 अंगों में सबसे बताया गया 5 उनमें से एक श्रीमद् भागवत महापुराण.
तो ये श्रीमद भागवत महापुराण तो हम ऐसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो श्रीमद भागवत महापुराण है ये देख लगता है कि हम थ्योरेटिकल डिस्कस सुन रहे हैं दर्शन के अनुसार समझे श्रीमद भागवत महापुराण को। तो श्रीमद भागवत महापुराण ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल एक्टिविटी करने का सेवा का प्रयास का लाभ था वास्तव में दिखाई, क्योंकि साक्षात भगवान और इसको सुनना ही अपने आप में प्रैक्टिकल। लेकिन भारी तौर पर ऐसा हम देख सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल डिस्कशन आप उसको मान सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये बहुत ही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अंग बताया। तो ये जो तीसरा अध्याय तीसरा स्कंध है इसमें जो आठवां अध्याय है इसमें ब्रह्मा जी का मैनिफेस्टेशन हुआ गर्भोदक्षिणी विष्णु के द्वारा। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं तो पिछला में थोड़ा सा जो श्लोकों में चर्चा हुई उसको संक्षेप में थोड़ा उसको डिस्कस करूंगा। तो इसमें मुख्य मुख्य बातें हम लोग दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो मैत्री मुनि महात्मा विदुर जी को वर्णन करते हैं और ये संवाद कहाँ कहाँ पर चल रहा है इसके बारे में वर्णन है, पिछले आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो गर्भोदक्षिणी विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य ये अध्याय का शीर्षक भी है और मैत्र मुनि एंड विदुर संवाद आपस में ये चल रहा है और विदुर की प्रशंसा जो है मैत्र मुनि करते हैं आगे चलकर आगे श्लोकों में। मैत्र मुनि करते हैं क्योंकि विदुर बहुत ही सबसे ज्यादा महान भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और पूर्व वंश के अंदर प्रकट हुए इसीलिए सबसे ज्यादा एक्सॉल्टेड बनेगा। और फिर उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा के बारे में वर्णन है और उसके बारे में श्लोकास चर्चा होती है भागवत के विषय में। और फिर उसके बाद भगवान संकर्षण से भगवान वसुदेव के बारे में चर्चा है ना, ये सनत कुमार के द्वारा चर्चा होती है। सनत कुमार भगवान संकर्षण के साथ चर्चा करते हैं भगवान वसुदेव का। और उसके बाद फिर भगवान संकर्षण श्रीमद् भागवत का भावार्थ बताते हैं भगवान संकर्षण। और फिर आगे चलकर जब तीनों जगत जल में निमग्न हुए थे तब गर्भोदक्षिणी विष्णु और अनंत शेष की सैया पर लेटे हुए उसके बारे में वर्णन आता है और भगवान अपने अंतरंग शक्ति द्वारा 4000 दिव्य युगों तक उस जल में लेटे रहे और फिर अपनी एक्सटर्नल जो एनर्जी बहिरंग शक्ति से जल के अंदर सोते हुए प्रतीत हो रहे थे। एक्सटर्नल शक्ति से ऐसा लग रहा था लेकिन अंतरंग शक्ति देखे तो 4000 दिव्य युगों तक भगवान उस जल में सोए हुए शयन कर रहे। और फिर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, प्रकट होता है और फिर ब्रह्मा जी का अपने अस्तित्व का खोज करना, ठीक है, तो अपना एग्जिस्टेंस देखना चाहते थे कि कुएं माई में कौन हूँ, अपना स्थान के बारे में पूछ रहे थे। और फिर ब्रह्मा जी ने कई वर्षों के बाद सबसे पहले भगवान अनंत शेष का दर्शन किया। तो इस प्रकार से ये पिछले श्लोकों में चर्चा हुई जिसमें हमने मोटा मोटा यहाँ पे देखा। और फिर आज के श्लोक में जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया ब्रह्मा जी ने श्लोक संख्या 28 में यहाँ पे सबसे पहले वर्णन करते हैं, वो कंपैरिजन करते हैं कदंब वृक्ष कदंब कदंबह किं जलतः विसंगः वास स्वलं कृतंबह मेखलाया कृतंबे हरेनः चनन्तः धनेनः वत्सः श्रीवत्स वक्षः स्थलः वल्लभेन। ओ माई डियर विदुरा द लॉर्ड वेस्ट वॉज कवर्ड विथ येलो किलो resembling
द सैफ्रॉन डस्ट ऑफ द कदंब फ्लोर। तो यहाँ पर वाहन की जब ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया, ठीक है, तो दर्शन करके इस प्रकार से जो आज के श्लोक में जो वर्णन आ रहा है, वो उन्होंने क्या किया, वो कंपैरिजन बता रहा है, ठीक है, वो कंपैरिजन बताया कि कदंब वृक्ष के समान, जैसे कदंब वृक्ष है और उसमें जो फूल लगे हैं, तो भगवान के की तुलना इस प्रकार से कर रहे हैं कदंब वृक्ष से, ठीक है। तो कदंब वृक्ष हम देखते हैं कि इसकी महिमा, इसके बारे में जो शब्द आया कदंब के बारे में, तो इनकी महिमा के बारे में कहां कहां भागवत में वर्णन आया, तो वो हम देखेंगे कदंब वृक्ष के बारे में। तो लगभग 11 प्रकार के 11 विशेष वृक्ष हैं, 11-12 प्रकार के जिनकी आराधना की जाती है, तो उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो इसमें जल्दी से नाम के हम लोग उच्चारण करेंगे। तुलसी का वृक्ष है, ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ वृक्ष माना जाता है और सारे वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ है। पीपल का वृक्ष है जिनकी आराधना होती है, और बरगद का वृक्ष है जिसकी आराधना होती है विशेष, और नीम का वृक्ष, और जो आम का जो मैंगो ट्री होता है उसके जो पत्ते होते हैं वो भी शुभ माना जाता है, और यज्ञ इत्यादि कार्यों के अंदर उसका यूज करते हैं और काफी पवित्र वृक्ष माना गया। और दूसरा जो पेड़ है कोकोनट ट्री, तो हम देखते हैं कि जो नारियल होते हैं तो वो भी हम देखते हैं कि हम आध्यात्मिक कार्यों में विशेष जो पंचरात्रि विधि के अनुसार जो कार्य वो सारे ऐसे बताए गए रिचुअल्स के अंदर, तो उसके अंदर हम लोग नारियल का यूज करते हैं, और कोई भी कार्य शुरू करने तो सबसे पहले हम नारियल को यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा पवित्र माना है, ठीक है। और सातवां वृक्ष बनाना ट्री, यानी जो केले के जो वृक्ष होते हैं, तो केले का पत्ता हम देखते हैं कि उसकी कितनी शास्त्र में विशेषता बताई गई है। तो एक है सोने का बर्तन, जैसे हम देखते हैं गोल्ड के बर्तन में खाना, और दूसरे चांदी के बर्तन होते हैं, तीसरा लेवल हम देखते हैं तो वो सिल्वर जैसे या तांबे या पीतल के बर्तन होते हैं, और फिर लास्ट का जो आयरन यानी लोहे के बर्तन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सोने के जो बर्तन है उससे भी ज्यादा हाई स्थान जो बताया गया है जिसमें प्रसाद खाया जाए, है ना, भोजन किया जाता है, तो वो केले का पत्ता है। उससे भी ज्यादा लग्जरी, यानी जो गोल्ड से भी ज्यादा लग्जरी केले का पत्ते का पता है शास्त्र में सब। तो केले का पत्ता भी जो केले का वृक्ष है वो भी पवित्र माना गया है। और एक वृक्ष जो कर्मकांड स्तर के ऊपर बोला जाए, यानी कि उसकी पृष्ठ पूजा होती है, वो शनि देव का आराधना में काम आता है, उसको शमि वृक्ष। और एक अशोक का वृक्ष होता है जो कि ऑस्पिशियस कुछ दर्शन के लिए या कार्य हो तो उसके लिए हम लगाते हैं कि भाई यहाँ पे शुभ कार्य हो रहा है। और दूसरा सबसे अब जो चर्चा चल रही है कदम वृक्ष का, ठीक है। और एक वृक्ष और है जो पारिजात वृक्ष है, ठीक है। तो वो जो पारिजात वृक्ष है वो हम देखते हैं कि स्वर्गलोक में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में वर्णन आता है उसका, तो उसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और ये जो कदम वृक्ष है इसको भी कल्प वृक्ष कहते हैं, ठीक है। तो इनके आगे भी जो भी इच्छा पूरी करो या आपकी जो इच्छा है वो इच्छा प्रकट करो तो वो पूरी कर देते कदम वृक्ष श्रेष्ठ माने। तो पारिजात वृक्ष जो है उसमें जो फूल लगे हैं, ये जो फूल है ये इतने सुगंधित होते हैं कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी सुगंध रहती है जहाँ पे वृक्ष लगाया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण जब सत्यभामा के साथ जब राजेंद्र के पास गए थे, राजेंद्र की और उनकी माता के कुंडल इत्यादि देने के लिए, तो वहां पे फिर सत्यभामा को ये वृक्ष वहां देखती तो उनको इच्छा प्रकट होती है कि हमें ये वृक्ष अपने द्वारका में अपने भवन में लगवाना, क्योंकि रुक्मणी देवी ने पहले से ये वृक्ष अपने भवन में लगाए थे, तो सत्यभामा देखती थी तो सत्यभामा की इच्छा हुई, तो सत्यभामा को यहाँ पे मौका मिल जाता है, तो सत्यभामा भी वो वृक्ष जो है द्वारका लेके जाने के लिए कृष्ण को, कृष्ण भगवान उस वृक्ष को निकालते हैं और गरुड़ के ऊपर रखकर वो वृक्ष लेके जाते हैं। तो वहां पे फिर राजा इंद्र का भगवान श्री कृष्ण के साथ दोबारा झगड़ा होता है, वो एक अलग घटना है,
तो वहां पे हम देखते हैं कि जब वो वृक्ष वहां पे लगाया था तो पूरे भवन जितना बड़ा जो महल बना था सकते सब जगह पर खुशबू खुशबू फैल गई। और उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि उसके जो वृक्ष होते हैं जो फूल जो होते हैं उसके उस फूल में वो फूल कभी भी मुरझाते नहीं है, वो एवर फ्रेश रहते हैं। उसकी खास बात यह है ना जो पारिजात वृक्ष। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो कदम के वृक्ष हैं इनका भी काफी विशेषता बताई गई, कदम के वृक्ष। ठीक है, तो ये जो कदम के वृक्ष हैं एक समय भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देवी भी इस एक स्थान आता है, मुझे शायद स्थान का नाम उतना याद नहीं है, द्वारका से जब हम आगे जाते हैं कुंदनपुर कुंदिला जहाँ पर रुक्मिणी देवी का निवास स्थान था, राजा वेदर की पुत्री थी, भीष्म जो राजा थे तो उसको कुंदिनापुर कहते हैं। तो उसी के बीच का ये कई स्थान है, तो वहाँ पे भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी देवी को लेकर आए थे वहां से, जब रुक्मिणी अपहरण किया था तो फिर वहां पे रुक्मिणी देवी और भगवान कृष्ण वहां पर उन्होंने कुछ समय के लिए वहां पर रेस्ट किया था, तो वहां पर वो बैठे थे उस कदम, वो भी कदम वृक्ष था, तो इसलिए वो श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है कदम वृक्ष। और ऐसे कदम वृक्ष हम देखते हैं कि और कहां कहां पर हमने देखा, विशेषकर कृष्ण लीला में हम कदम वृक्ष की महिमा ज्यादा देखते हैं। एक तो कालियानाग की स्टोरी में हम देखते हैं कदम वृक्ष के बारे में, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब कालिया को जब काली नदी में जब यमुना में भगवान को जब छलांग लगानी थी कालिया को मारने के लिए उद्धार करने के लिए, ठीक है, तो भगवान ने उस कदम वृक्ष के ऊपर चढ़कर वहीं से छलांग लगाए और बिल्कुल पानी के बिल्कुल नीचे जो गहराई में जहां पर कालिया का अपना निवास स्थान बना हुआ था, यमुना के बिल्कुल अंदर ही डीप स्थान, तो वहां पर जब भगवान कृष्ण आए तो कालिया ने भगवान के दर्शन किए थे कृष्ण के। तो वो हमने देखा कि वो कदम के वृक्ष के ऊपर से ही छलांग लगाई थी, तो वो यमुना के ही किनारे पे था, तो वहां पर भी हम कदम वृक्ष की महिमा देखते हैं। और एक और स्थान पर कदम की महिमा हम देखते हैं कि भगवान की एक अनेक पास टाइम अनदर पास टाइम जिसके अंदर लीला में वर्णन आया कि चीरहरण लीला, भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों के वध कर चुराते हैं, तो वो लीला से पहले गोपियां वहां पर रेगुलर आती थी और लगभग एक महीने तक उन्होंने कात्यायनी व्रत का पालन किया और कात्यायनी व्रत रखा था और देवी कात्यायनी की आराधना की थी, उसका डेटीज बनाकर वहां पर उन्होंने कात्यायनी देवी अनेक प्रकार से भोग इत्यादि लगाए थे, उनको प्रसन्न किया था, तो भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए थे। दो तीन सखा भी साथ में थे भगवान श्री कृष्ण के, और भगवान श्री कृष्ण ने क्योंकि उनकी इच्छा थी कि कृष्ण पति रूप में हमें प्राप्त, क्योंकि तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए कात्यायनी देवी का आशीर्वाद। तो एक्चुअली वो कात्यायनी देवी जो वास्तव में थी वो योग माया थी, एक्चुअली भगवान की अंतरंग शक्ति थी, तो उन्हीं के प्रभाव से ये लीला का प्रकट हुआ। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपी के जो वस्त्र चुराए थे और जिस वृक्ष के ऊपर भगवान चढ़ के बैठे थे वो वृक्ष भी कदम का वृक्ष था। तो ये कदम के वृक्ष की महिमा इतनी यहाँ पर श्रेष्ठ बताई जा रही। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान को देखा, श्री ब्रह्मा जी, तो यहाँ पर इस श्लोक में तो यहाँ पे लिख रहे हैं कदम्ब किन जल का, कदम फूल की केसरिया धूल, पिशांग रंगीन परिधन वाससा वस्त्रों से तू अलंकृतम्ब अच्छी तरह सुसज्जित थे भगवान। तो उसकी तुलना कदम फूल, कदम का जो वृक्ष होता है और उसका जो फूल है, ठीक है, वो कलर जो उसमें बताया गया वो कैसा होता है, यानी रेड और मतलब केसरिया कलर के होते हैं, लगभग ऑरेंज कलर के, सैफ्रन कलर के होते हैं। तो भगवान का भी उन्होंने ऐसा ही जब कवर वाला ऐसा देखा, यहाँ पे लिख रहे हैं कि कदम फूल की केसरिया पिशंग रंगीन परिधान, है ना, तो वो कलरफुल
और डेकोरेटेड जो है ना भगवान की कमर में एक बेल्ट भगवान ने पहना, इसको करदनी कहते हैं, बेल्ट कहते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक बात मेरा एक प्रश्न है कि ब्रह्मा जी ने जो भगवान का दर्शन किया, ब्रह्मा जी ने ये दर्शन भगवान ने यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु के गर्भोदीक्षा ही विष्णु से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, लेकिन जो दर्शन बताया गया है वास्तव में भगवान ब्रह्मा जी ने किसका किया, ये एक सवाल है। वास्तव में कौन से भगवान का दर्शन, ये भगवान ये ब्रह्मा जी का पहला दर्शन था, ठीक है। दूसरे दर्शन ब्रह्मा जी को हुए थे वो कहाँ हुए थे, विशेष रूप से कृष्ण के जब डायरेक्ट दर्शन हुए तो वो ब्रह्म विमोहन लीला से, तो ब्रह्म विमोहन लीला तक वो भगवान श्री कृष्ण को सही रूप में भगवान ये श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे तो उनको सही रूप में भगवान नहीं समझ पाए, तो वहां पे वो प्रभावित हो गए थे, है ना। तो ये भगवान ने ही अपनी योगमय शक्ति के माध्यम से ऐसा प्रभावित किया था, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने डायरेक्ट श्री कृष्ण के दर्शन, श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर जो भगवान के दर्शन किए वो सूक्ष्म वासुदेव उनके दर्शन किए, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अनंत शेष के दर्शन किए और जिसके पर भगवान लेटे हुए, ठीक है। अब ये जो अनंत शेष और चार भुजाओं वाले जो नारायण है या विष्णु, ठीक है, तो ये साक्षात कृष्ण बलराम ही है, ठीक है। तो ये जो दर्शन थे जो ब्रह्मा जी ने किए, यहाँ पे जो ब्रह्मा जी स्थिति करते, जब हम देखते हैं कि अक्रूर जी वृंदावन में आए, ठीक है, और उनको भेजा गया था कि कृष्ण बलराम को आप वृंदावन से मथुरा में ले आओ, तो भगवान श्री कृष्ण की वो अंतिम लीलाएं चल रही थी ब्रज की, और 11 साल लगभग हो चुके, वहां से भगवान श्री कृष्ण को फिर अवसर प्राप्त होता है मथुरा में एंट्री करने, मथुरा से फिर हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से फिर द्वारका की लीलाएं शुरू। तो वहां पर हम देखते हैं कि जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को रथ पर बिठा कर ले जा रहे, तो फिर वो नदी के पास रुकते हैं यमुना के तट पर, और वहां पर जल पीने के लिए वो जाते हैं, ठीक है, अक्रूर जी। और कृष्ण बलराम तो रथ में ही बैठे होते हैं, तो अक्रूर जी जब जल में जाते हैं और स्वच्छ उनको भी स्नान इत्यादि भी करना, तो जल के अंदर वो देखते हैं कि उन्होंने दर्शन किए भगवान, तो वहां जो उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो वो यही अनंत शेष और नारायण भगवान चार भुजाओं वाले भगवान विष्णु थे, उसके दर्शन। तो ये वास्तव में कौन थे, ये वसुदेव कृष्ण, उनके दर्शन उनको प्राप्त हुए, और यही दर्शन ब्रह्मा जी ने यहाँ पर किए, उसी के दर्शन। तो यहाँ पर इस तरीके से वर्णन बताया गया, और यहाँ पे लिख रहा है, हे विदुर, भगवान की कमर पीले वस्त्र से ढकी थी, जो कदम फूल के केसरी और धूल जैसी प्रतीत हो रहा, ठीक है, और इसके अति सज्जित करधनी गिरे हुए थे, और उनकी छाती श्री वस्त्र चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से सुशोभित, ठीक है। तो अगला जो उन्होंने वर्णन किया श्री वत्स के बारे में, तो ये ब्रह्मा जी स्तुति का, इसमें एक मुख्य बात बताऊंगा, इस अध्याय का सार क्या है, आगे ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे, आगे श्लोकों में आएगा, तो वो सृष्टि करने के लिए जो एम्पावरमेंट आई ब्रह्मा जी के पास वो कहां से आई, जो शक्ति जो प्राप्त हुई, वो अल्टीमेटली जो शक्ति जो प्राप्त हुई थी वो भगवान की स्तुति से आई। ये जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं ये श्लोक ब्रह्मा जी उच्चारण कर रहे हैं, श्लोक से ब्रह्मा जी को एम्पावरमेंट प्राप्त हुई, आप लोग समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो समझने वाले, स्तुति का पावर कितना ज्यादा है, खासकर ये भागवत मामला, अगर आपके साथ में डायरेक्ट श्री कृष्ण का भी संग है ना, जैसे दुर्योधन इत्यादि इन सबको भी भगवान का संग प्राप्त होता था, ठीक है, भगवान आते थे इनके घर बैठते थे, इन्वाइट करते थे, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट भगवान के संग करने से जल्दी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती,
ये भागवत की पावर के बारे में एक उपमा बताई गई, हैरिंग द कृष्ण कथा है ना। अगर हम भगवान की हरि कथा का श्रवण करते हैं, ठीक है, भागवत महापुराण के जो स्तुति श्लोक बताया गया, ठीक है, जो हमारे सनातन गोस्वामी ने कहा श्रीमद भागवत महापुराण का नित्य रूप से पाठ करना चाहिए वैष्णव का प्रिय व्रत, इसमें जो स्तुतियां दी गई है इसका जो अगर हम पाठ करते हैं तो कृष्ण कथा जो हम श्रवण करते हैं वो श्रवण करने की शक्ति इतनी है कि हम भगवान का सर्वश्रेष्ठ जो आशीर्वाद है वो हम प्राप्त कर लेते हैं, वो है कृष्ण प्रेम, खुद भक्ति, भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की जो एम्पावरमेंट है वो हम कर लेते हैं। यानी हमें जो भी कार्य करना है भगवान के लिए, ठीक है, तो वो भी कार्य करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, यानी कोई चीज डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, तो वो डेवलपमेंट करने के लिए रजोगुण का मुख्य रूप से इसमें प्रभाव रहता है। बिना रजोगुण के आप कोई कंस्ट्रक्शन इत्यादि कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता देव देखते हैं, बताए जाते हैं ब्रह्मा जी, ठीक है। सतोगुण में तो क्या होता है कि वो बिल्कुल एक जगह फिक्स है तो ठीक है, एक जगह स्थान पर बैठे हैं तो सतोगुण है, तो इतना ज्यादा वो नहीं, ज्यादा किसी को डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक है। और अगर तमोगुण में भी है तो तमोगुण में भी अपने ही मतलब माया के अंदर उलझे रहते हैं, उनको पता नहीं होता जीवन का मतलब उद्देश्य क्या है। लेकिन रजोगुण के अंदर क्या है कि रजोगुण के अंदर कार्य करना होता है, डेवलपमेंट करनी होती है, वो रजोगुण से, बिना रजोगुण के आप डेवलपमेंट कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसके लिए रजोगुण की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी अल्टीमेटली रहते तो सतोगुण में, ठीक है, लेकिन जब कोई कार्य करना होता है तो उसको रजोगुण का रजोगुण का वो होना चाहिए, ठीक है, प्राकृतिक होना चाहिए, उससे वो सिस्टम को बना सकते हैं। तो पूरी पृथ्वी को या पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए, क्रिएशन करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता। तो ये रजोगुण के माध्यम से जो भी हम काम करेंगे, ठीक है, तो वो अनसक्सेस होगा, वास्तव में हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, लोड ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की इन स्थितियों का पाठ करते हैं, भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, साधु संग करते हैं, तो इसकी शक्ति इतनी है, तो ये जो रजोगुण है बदल जाता है प्योर गुडनेस में, ठीक है, तो वो भगवान के माध्यम से हमें शक्ति प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हम जो भी कार्य करना हो उस कार्य करने के लिए ही अकेले ही सक्षम हो सकते, इतनी शक्ति प्राप्त। जैसे माधवेंद्र पुरी था, तो माधवेंद्र पुरी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट चंदन लेके आना करना एक दिन के अंदर, आप सोचिए, और इससे पहले जब भगवान का प्राकट्य हुआ, पृथ्वी प्राप्त हुई, भोपाल विग्रह, वो गोवर्धन की पर्वत शिखर के ऊपर उन्होंने मंदिर बनाया, ये सारा जो प्रोजेक्ट था उन्होंने अकेले ही टारगेट किया था, माधवेंद्र पुरी, तो अकेले कैसे किया, बिना शक्ति, भगवान की शक्ति के परिवर्तन नहीं आ सकता है ना। कली काले नाम धर्म नहीं आर धर्म, कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार परि, ऐसा कुछ श्लोक जितने चले, कृष्ण की शक्ति के बिना परिवर्तन नहीं आ सकता। तो कृष्ण की शक्ति कहाँ है, वो शक्ति कैसे आती है, वो इस भागवत श्लोक, इसी श्लोक, इसी भागवत, इसी अध्याय का जो पूरा जो सार है वो यही, ब्रह्मा जी को जो इम्पावरमेंट जो प्राप्त हुई, जो शक्ति जो प्राप्त हुई, तो ये स्थिति से था। तो ये श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान को देखकर स्थिति कर रहे हैं, ये मेन इस अध्याय का सार या कंक्लूजन पॉइंट, ये अंडरस्टैंडिंग समझना, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, वो स्तुति के अंदर पहले श्लोक की स्तुति में श्री वत्स के चिन्ह के बारे में चर्चा, तो श्री वत्स, ठीक है, तो श्री मतलब लक्ष्मी देवी है, ठीक है, तो वत्स वत्स बालक को भी बोलता है, ठीक है, लेकिन एक चिन्ह है श्री वत्स चिन्ह, तो या वस्त स्थान को भी कहते हैं जहां पर वो स्थान मिला, तो श्री लक्ष्मी देवी को वो स्थान मिला कहां पर, भगवान विष्णु के दाईं ओर, ठीक है, उनको निवास स्थान प्राप्त हुआ श्री वत्स का। तो
भगवान विष्णु के चेस्ट पे दाएं और बाएं दोनों साइड पे दो निशान है, ठीक है, दो मार्ग दिए हुए, एक श्रीवत्स का मार्ग है, ठीक है। तो श्रीवत्स का मार्ग मतलब वो ऐसा है, श्रीमद् भागवत में और आगे चल पड़ेंगे तो कहीं पे शिला प्रभुपाद जी प्रकट में ऐसा वर्णन करते हैं कि वो एक लकीर है, जैसे एक लकीर बनी हुई है भगवान के चेस्ट के ऊपर, और वो गोल्डन लकीर और उसमें गोल्डन बालों के ऐसे गुच्छे के समान पूरा इस प्रकार से श्रीवत्स का चिन्ह बना, ठीक है। अब ये श्रीवत्स का चिन्ह जो है भगवान के पक्ष स्थल पर कैसे आया, ठीक है, उसकी एक अलग स्टोरी है। वो स्टोरी सब लोग जानते हैं कि जब भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई और तो बांसुरी की धुनी इतनी मधुर थी तो पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान इस बांसुरी की धुनी के पीछे मग्न हो गया, ठीक है। शिव जी भी भाग लेना चाहते थे इसी धुनी के पीछे भगवान दर्शन करने के लिए। तो भगवान ने ये जब बांसुरी बजाई थी तो उस समय रास लीला प्रारंभ होने वाली दसम स्कंद, ठीक है। तो रास के अंदर सब लोग भाग लेना चाहते लेकिन इंटर हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो वहां पे ये वर्णन आता है कि जितना जिसकी जैसी है, ठीक है ना, जैसा जैसा उसका रस है उस भाव के अंदर जैसे भगवान की सेवा कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम पर्वत व्यंतम सदन भजाम हम भगवदगीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में ये प्रमाण दिया हुआ है। तो वहां पर हम देखते हैं कि लक्ष्मी देवी को भी इच्छा प्रकट हुई राजमंडल में भाग। लक्ष्मी देवी जब गई तो लक्ष्मी देवी को एंट्री नहीं मिली, शिव जी को मिल गई थी लेकिन लक्ष्मी देवी को नहीं, ठीक है। शिव जी को जब बताया गया कि भाई शिव जी को बोला गया कि नहीं आपको गोपी का रूप धारण करना पड़ेगा, ठीक है, तो शिव जी उसके लिए तैयार हो गए लेकिन लक्ष्मी देवी को बोला, ललिता सखी ने, ललिता विशाखा सखी ने, तो उन्होंने लक्ष्मी देवी को बोला कि आप वो अंदर प्रविष्ट होने से पहले ये गौ सेवा करनी पड़ेगी। तो लक्ष्मी देवी का वहां पर जो ऐश्वर्य का जो भाव था, है ना, क्योंकि वो विष्णु लोक में तो भगवान के लोक में होती है तो वहां पर तो भगवान के सारे भगवान की अर्धांगिनी है, उनके संगनी है, तो वहां पर तो सारे उनके नौकर चाकर दासियां सारी वो काम करते हैं। तो वो सोच उनके मन में ये भाव आया था कि भाई मैं तो विष्णु की पत्नी हूँ और वो पूरे जगत के नाथ हैं और मैं कैसे ये सब सेवा कर, तो उनको इस प्रकार से ऐसा भाव प्रकट हुआ था। तो उसी कारण से वो एंटर नहीं कर पाए। तो फिर वो वहीं पे बैल वन के अंदर वृंदावन में जो बैल वन है जो 12 वनों के अंदर एक बैल वन आता है, तो बैल वन के अंदर कई युगों तक अभी तक तपस्या कर रही है, उनको एंट्री नहीं पा। तो तपस्या करते हुए फिर भगवान प्रकट हुए, तो भगवान से प्रार्थना करनी था बस रास मंडल में ही भाग लेने, लेकिन ऐश्वर्य भाव के कारण या रस के कारण वो एंटर नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो फिर भगवान ने उनको उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उनको अपने वक्ष स्थल पर स्थान दिया। बैकग्राउंड में इस प्रकार से स्टोरी, ठीक है, हमने श्रवण किया। तो इसीलिए श्री वत्स का निशान भगवान के वक्ष स्थल पर हम देखते हैं, लेकिन एक और वक्ष निशान है, दो निशान बताए गए, ठीक है। तो दूसरे वक्ष स्थल पर लेफ्ट साइड का जो निशान दिया गया है वो जो है भृगु मुनि के द्वारा जब भगवान की परीक्षा हुई थी सत्व रजो गुण के देवताओं को, जब भृगु मुनि परीक्षा में लेना चाहते थे तो वहां पर भृगु मुनि ने जब विष्णु के पास आए थे तो उनको लात मारी भगवानी छाती, तो जहाँ पे लात मारी थी तो बहुत चिन्ह बन गया था, इवन कि वो भृगु स्थानी माने जाता है, यानी भृगु मुनि का स्थान भी वो बन गया, वो एक साइड पे भृगु मुनि का स्थान है, तो दो चिन्ह बताया गया यहाँ पर। इसी दूसरी यहाँ पर ये ब्रह्मा जी ने जब दर्शन किए तो उन्होंने श्री वत्स का चिन्ह का भी दर्शन किया ब्रह्मा जी ने, तो उसकी महिमा के बारे में। तो असीम यहाँ पे लिख रहे हैं कि उनकी छाती श्रीवत्स चिन्ह से तथा असीम मूल्य वाले हार से सुशोभित भगवान का जो चेस्ट, तो ठीक है, तो श्रीवत्स के चिन्ह से, और असीम का मतलब होता है कि कोई लिमिट ना हो, ठीक है, कोई सीमा ही ना हो, उसको कहते हैं असीम, अनलिमिटेड
मूल्य वाले हार। तो ये मूल्य हार मतलब होता है कि मोस्ट जिनका कोई कीमत ना हो, है ना, कोई मूल्य ही ना कोई चुका सके, ऐसे हारों से भगवान जो है वो सुशोभित है इस तरीके से। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा दर्शन किया। नेक्स्ट वर्ष में जाएंगे, टाइम हमारा शॉर्ट है तो इसलिए डिटेल में चर्चा नहीं कर पाए। तो फिर 29 वर्ष के अंदर यहाँ पे शुद्ध गोस्वामी वर्णन करते हैं, जिस तरह चंदन वृक्ष, तो भी चंदन की महिमा के बारे में, चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है। चंदन का जो पेड़ होता है, ठीक है, सुगंधित फूल और शाखाओं से सुशोभित रहता है। तो हमने जो पहले कदम वृक्ष के बारे में चर्चा की, तो उसमें हमने चंदन वृक्ष के बारे में नाम उल्लेख नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये चंदन वृक्ष के बारे में यहाँ पर ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, ठीक है। तो भगवान कैसे सुशोभित है, तो चंदन वृक्ष का उदाहरण देते हैं। तो बोला जो चंदन का जो वृक्ष होता है सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है। चंदन का वृक्ष पूरा सुगंधित फूल होते हैं और उसकी ब्रांचेस वगैरह सब उससे सुशोभित रहता है। तो चंदन वृक्ष की महिमा हम देखते हैं कि चंदन की महिमा शास्त्रों के अंदर कितनी श्रेष्ठ बताई गई, ठीक है। तो जैसा हम गोपी चंदन लगाते हैं, ठीक है, उसकी महिमा हम देखते हैं शास्त्र, ठीक है, किस प्रकार से प्रकट हुआ। तो ये चंदन, ठीक है, वहां जब हम देखते हैं कि वो भगवान के जो द्वारका में जब दुर्गाल हो रहा था, वहीं पे एक तालाब बना, तो चंदन का ही वहां से ये सारे गड्ढे बनते हैं, उसी के अंदर वहीं से चंदन प्राप्त। तो वहां पे ये सब द्वारका की रानियां थी, अतिथि को क्या उन्होंने स्नान किया था, ठीक है, तो वहीं से ये चंदन वृक्ष चंदन में प्राप्त। लेकिन एक चंदन का डायरेक्ट वृक्ष प्रकट है, ठीक है, ये भी पवित्र बताया गया, सर्वश्रेष्ठ बताया गया, ठीक है, लकड़ी के रूप में जिसको घिस कर पीसा जाए, ठीक है, पीस कर उसका लेप बनाया जाए। तो चंदन के संदर्भ में हम देखते हैं कि विशेष कथाएं गाती है कुब्जा, ठीक है, भागवत की दशा। तो कुब्जा जो थी, जब भगवान कृष्ण बलराम जब मथुरा आए थे और कंस को मारना था उससे पहले की घटना, तो कंस के लिए डेली बेसिस पे चंदन का पूरा लेप जो थाली बनती है पूरी, ठीक है, क्या क्या उसमें वस्तुएं होती है, सुगंधित चीजें होती है, तो वो पूजा डेली कंस के लिए बनाया करते। लेकिन जब कृष्ण बलराम आते हैं तो उनको देखती है, कृष्ण बलराम कहते हैं कि आप ये चंदन का लेप हमें लगा, ये हमारे लिए। तो वो चंदन का लेप भगवान को जो उन्होंने ऑफर किया था, वो भगवान की इतनी महिमा नहीं जानती थी, तो उसके संदर्भ में कुब्जा को भगवान ने विशेष आशीर्वाद प्रदान किया, ठीक है। आगे चलकर कुब्जा के घर पर चलकर गए, खुद कुब्जा ने उनको इनवाइट किया था भगवान कृष्ण, और उनको उनसे भोग करना चाहती थी कुब्जा भगवान कृष्ण से, ठीक है। तो भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण उनके घर गए और वहां पर विशेष एक इस लीला से ये प्रसंग आता है कि कोई काम इच्छा के आने से भी भगवान श्री कृष्ण को भोग की इच्छा से, जो भगवान श्री कृष्ण को भोग करना है उसकी इच्छा से भी अगर कोई भगवान से जुड़ता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। तो कृष्ण भगवान जो है वो दिव्य है, उनका शरीर आध्यात्मिक पूर्ण रूप से दिव्य शरीर, जन्म कर्म चाम दिव्य। तो जो भी उनके संपर्क में आएगा किसी भी भाव से आएगा तो वो पवित्र हो जाएगा। तो कुब्जा के प्रसंग से भी हमें पता चलता, तो कुब्जा को भगवान ने उनको मुक्ति प्रदान करी, सिर्फ क्या है विशेष रूप से ये चंदन का उनको लेप अर्पित किया था, सिर्फ वन टाइम। तो ये चंदन जो है विशेष रूप से हम देखते हैं कि दो स्थानों पर बताया गया है शास्त्र में, चैतन्य चरितमृत में कृष्ण कविराज गोस्वामी प्रकट में बताते हैं माधवेंद्र पुरी की कथा के स्नातन। तो उसके अंदर वो मलय पर्वत कहते हैं, मलय पर्वत मतलब एक ये मलेशिया के अंदर बहुत सारे चंदन के जो है ना वृक्ष और या पर्वत बने हुए थे, वृक्ष भी और पर्वत इस तरह बताया गया। और दूसरा जो था साउथ इंडिया के अंदर, इंडिया के हम देखते हैं कि केरला जो है, ठीक है, तो वहाँ की जो भाषा भी होती है मलयालम है ना, तो मलय के नाम से, तो वहाँ पर भी ये चंदन
हमें प्राप्त होता है उसकी, फिर भी वहाँ पर बहुत ज्यादा चंदन के वृक्ष वहाँ पर लगाए जाते हैं। तो चंदन का वृक्ष जो है खेती उतनी आसान नहीं है, सरल नहीं होती, उसके लिए बहुत काफी टेक्निकी मतलब बहुत ही टेक्निकल तरीके से उसकी देख रेख की जाती है, किस किस तरीके से बचाव करना है। तो लगभग 10-12 सालों के अंदर वो बड़ा होता है और फिर मजबूत हो जाता है एकदम, ठीक है। तो दो प्रकार के कलर वाले बताए गए हैं, एक सफेद कलर का चंदन होता है वृक्ष होता है और एक लाल कलर का चंदन, इस तरह वर्णन आता है। और काफी गंगा ये जो है चंदन के वृक्ष बताए जाते हैं, ये चंदन जो काफी मूल्यवान है और काफी एक्सपेंसिव बहुत महंगा बिकता है, ठीक है। तो इस तरह हम चंदन का देखते हैं। और इस चंदन की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे लिखा है कि जिस तरह चंदन वृक्ष सुगंधित फूलों तथा शाखाओं से सुशोभित रहता है, उसी तरह भगवान का शरीर मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था, है ना। तो चंदन की उपमा देकर भगवान का शरीर ब्रह्मा जी ने देखा तो मूल्यवान मणियों तथा मोतियों से अलंकृत था, ठीक है। वे आत्मा स्थित अव्यक्त मूल और वृक्ष और विश्व के अन्य सभी के स्वामी थे, ठीक है। अव्यक्त मूल के भी बारे में चर्चा आएगी, आगे करेंगे। जिस तरह चंदन वृक्ष अनेक सर्पों से इच्छादित रहता है, ये मुख्य पॉइंट है, उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत अनंत के फणों से ढका रहता है, यानी अनंत मतलब ये अनंत शेष है। तो भगवान का पूरा शरीर उनके फणों से सुरक्षित रहता है या ढका रहता है पूरा, ठीक है, प्रोटेक्शन में भगवान के जीव सेवा में रहते हैं। और यहाँ पे लिखा है अनेक सर्पों से इच्छादित रहता है चंदन का वृक्ष, ठीक है। तो जो सर्प है, ठीक है, तो ये चंदन के वृक्षों के पास सर्पों की वर्णन बताया गया कि सर्प होते हैं वहां पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो सर्प जो है, ये जो स्नेक होते हैं सारे, तो ये पूर्णिमा के दिन चंदन की सुगंध या उसकी शीतलता को लेने के लिए, विशेषकर गर्मियों में, तो वहां पर आते हैं ठंडक लेने के लिए, तो वो चंदन के वृक्ष के पास आते हैं विशेषकर पूर्णिमा के, ठीक है। कहीं पर जो चंदन की खेती होती है वहां का जो फार्मर होगा, आप देखिए किसान भी होगा, उनसे अगर पूछेंगे या कैसी, तो वो जहां तक मैंने स्टडी की जो बताया, तो वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं है कि ये कहने की बात है कि चंदन के वृक्ष के पास सांप आते हैं। बोला हमने कितने टाइम से खेती लगाई है चंदन के वृक्षों की, ठीक है, इतने टाइम से हम इसकी कर रहे हैं चंदन की उगाने की, ये सब हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन आज तक हमने तो कोई ऐसा स्नेक सांप वगैरह नहीं देखा। तो भौतिक दृष्टि से कभी भी हम ये नहीं समझ पाएंगे, लेकिन भागवत में लिखा है ऐसा, ठीक है। तो भागवत प्रमाण मतलब स्पॉटलेस पुराण है, तो इसमें कोई भी चीज क्या है, यानी झूठ नहीं हो सकती है, ये परम सत्य है। तो इसलिए यहाँ पे इसका प्रमाण हमें ऑथेंटिकेशन ये जो दी गई है इसको स्वीकार करना चाहिए। तो वास्तव में शास्त्र की दृष्टि के अनुसार देखेंगे, ठीक है, और वैष्णव की शिक्षा अनुसार तो सही रूप में समझ पाएंगे इन शिक्षाओं को। तो ब्रह्मा जी भी यही बता रहे हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी की स्तुति में भी यही आ रहा है, ब्रह्मा जी ने जो बोल दिया ऑथेंटिकेट, क्योंकि ब्रह्मा जी गुरु परंपरा में पहले महाजन, ठीक है, स्वयं गुरु। तो ये बात सत्य है कि पूर्णिमा के दिन सांप जो है वहां पर आते हैं और वो अपनी व्हाइट व्हाइट जो उसके शरीर पे जो खाल होती है, व्हाइट व्हाइट पापड़ी जैसी होती है, वो छोड़ के चले जाते हैं पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। सांप आते हैं और वहां पे चंदन की ठंडक या शीतलता वो ले जाते हैं, वैसा वो अपनी गर्मी को दूर करने के, इस तरह जैसे सांप। तो इसी कारण से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो देखते हैं कि भाई सांप होते हैं तो वो चंदन के वृक्ष के पास जल्दी आते हैं, ठीक है। तो इसी यहाँ पर ब्रह्मा जी ने जब देखा भगवान को तो चंदन के बारे में फिर वर्णन कारण देते हैं, एग्जाम्पल, जिस तरह चंदन वृक्ष अनेक सर्पों से इच्छादित रहता है, अनेक सर्पों से,
चंदन का पेड़। उसी तरह भगवान का शरीर भी अनंत के कणों से ढका था। भगवान का जो पूरा जो बॉडी था वो अनंत के कणों से ढका था, पूरा का पूरा। ठीक है, फिर जिसके परपोट के अंदर एक शब्द आया है मूलम। ठीक है, मूल का मतलब होता है या स्व आश्रय आश्रय। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। स्व आश्रय आश्रय, तो यहाँ पर